अगर हम नाइंसाफी के टाइम चुप रहेंगे तो नाइंसाफी कभी रुकेगी नहीं, और ऐसे केसेस जो फर्जी केसेस हैं इनको बढ़ावा मिलता रहे। लॉ मिनिस्ट्री तक लेकर जाएंगे, हम इस लॉ को अमेंड कराएंगे। तो #mentoo करके हमने एक बात शुरू की है। करण, आए दिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है लेकिन वो शांत रहते हैं, पर आपने आवाज उठाई है, तो ऐसे लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें भगवान ने आवाज दी है, और बात करने का एक बात, अपनी बात अच्छी तरह से रख पाने का एक टैलेंट दिया है, उसके साथ लोगों का प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में बात करें, लोगों की आवाज़ें बने, बिकॉज अदरवाइज हमारे पब्लिक फिगर होने का कोई फायदा नहीं। पब्लिक फिगर का मतलब यही होता है कि लोग आपके ऊपर एस्पिरेशनली आपके ऊपर लुकअप करते हैं कि हमें ऐसा बनना है। तो वो उस ऐसे बनने में ये ज़रूरी है कि आप लोगों की आवाज़, सच्चाई की आवाज़, जस्टिस की आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी बात से पीड़ित हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ है, तो #mentoo करके हमने एक बात शुरू की है। आप अपनी बात हमारे तक रखिए, हम आपकी बात गवर्नमेंट तक, लॉ मिनिस्ट्री तक लेकर जाएंगे, हम इस लॉ को अमेंड कराएंगे, हमारा वायदा है आपके साथ। तो आप चुप मत रहिए, बिकॉज अगर हम नाइंसाफी के टाइम चुप रहेंगे तो नाइंसाफी कभी रुकेगी नहीं, और ऐसे केसेस जो फर्जी केसेस हैं इनको बढ़ावा मिलता रहेगा। तो इस बदलाव के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ जुड़िए। आपकी आवाज़ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अथॉरिटीज़ तक, प्राइम मिनिस्टर तक, लॉ मिनिस्टर तक लेकर जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। टेली मसाला के फैंस को आप क्या कहना चाहते हो? मैं टेली मसाला के व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि बुरी और अच्छी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब भी कोई बुरा होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जज करने से पहले उस बात की सच्चाई तक ज़रूर जाएं, बिकॉज किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन, उसे 20 साल की कमाई को, रेपुटेशन को एक झटके से उस पर लकीर ना कीजिए, उसकी रेपुटेशन का गला ना काटें। पहले ओपिनियन फॉर्म करने से पहले सच्चाई तक जाइए, उसका पता करिए, फिर आप अपना ओपिनियन या अपना सपोर्ट रखिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से।